Hello friends, so welcome to our channel Free Ki Parshala. So in this video we will discuss about the topic communication. So communication ka topic hum aaj start karne wale hain, jisme ki hum iske concept karenge, iske features and iski process karenge. So is video mein hum ye teen topic cover karenge. Agar aapne pehle wali videos nahi dekhi to usme maine directing aur uske baki ke elements motivation, leadership and supervision cover karwa diye hain. तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है और साथ में ऊपर आई बटन भी शो हो रहा होगा, तो वहां से जाके आप उन वीडियोस को वॉच कर पाओगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तब सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि सर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेटा कम्युनिकेशन का मतलब है, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। तो कम्युनिस का मतलब हो गया कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब है कि जो शेयरिंग होती है, मान लो अ कॉमन अमंग द टू और मोर पीपल देन द टू पीपल्स इन इक्वल मेजर, मतलब उन्होंने शेयर किया, शेयर करने के बाद अब दोनों को ये पता चल चुका है, तो इसे कहते हैं, मतलब दोनों में चीज एक कॉमन हो गई, ठीक है, दोनों को वो इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उसे कहते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग की प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। So in this way the communication means the sharing through among the two or more than the two pupils. Thus under the communication the sharing of thoughts among the different pupils is done in such a manner that the listener is receiving them in the same spirit with the being told. So जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कुछ, आप देखो अपने कंप्यूटर स्क्रीन या फिर आपके मोबाइल के सामने अभी बैठे हो, आप मुझे वॉच कर रहे हो, मतलब कि मेरी बुक को अभी देख रहे हो, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हो, तो इसमें दो पर्सन हो गए, तो कम्युनिकेशन जा रही है, फ्लो कहाँ से कर रही है, मेरे थ्रू आप तक कम्युनिकेशन जा रही है। मान लो अभी मैं आपको कहूंगा नहीं, बट आप मुझे पता है कमेंट करोगे करोगे, नीचे आप कमेंट कर दोगे कि सर बहुत अच्छी लगी वीडियो, लाइक वीडियो, नाइस वीडियो, मतलब जो भी आप लिखोगे, तो उससे क्या होगा कि फीडबैक मिलेगा, तो ये भी एक कम्युनिकेशन होगी आपके थ्रू मेरे तक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहूंगा सर थैंक फॉर वॉचिंग, तो वो भी एक कम्युनिकेशन होगी। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन पोर्स द लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइफ डालती है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर लोग बातचीत करेंगे, अगर इम्प्लॉइज बातचीत करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। So, art of transferring the facts, ideas, feeling, etc. from the one person to the another, making him understand them. So, एक दूसरे को feelings share करना, facts share करना, ideas share करना, इसी को कहते हैं कि हम किसी organization में, देखो एक तो organization को चला रहे हैं, एक हम उस चीज को understand कर रहे हैं, understandable बना रहे हैं, okay? यहाँ पे देखो नीचे diagram में भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आप बैठे हो, है ना, ये आप बैठे हो ना, ये आपकी कोई फ्रेंड बैठी है, ठीक है, और ये भी आपकी कोई फ्रेंड बैठी है, एक से ज्यादा होगी ना आपकी फ्रेंड, तो ये आपकी कोई फ्रेंड बैठी है, तो आप इनसे चैटिंग कर रहे हो, अभी ये कम्युनिकेशन हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आगे डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन एक तो आसान है, एक इंपॉर्टेंट भी है, ये वाली कर लो। तो कहते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। मतलब एक तो इंफॉर्मेशन को पास आउट करना, एक अंडरस्टैंडिंग को, जो चीज मुझे पता है मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग को भी पास आउट करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो डाटा को, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो इसके फीचर, यहाँ पे कहते हैं टू और मोर पर्सन, ये तो सर हमें भी पता है, पहले डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया कि भाई एक से ज्यादा पर्सन होंगे, मतलब दो पर्सन तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी, जिसमें होगा एक सेंडर कुछ सुनने वाले, एक सेंडर कुछ सुनने वाले, ठीक है, सेंडर हमेशा एक ही होता है, मतलब जो सुनाएगा वो एक ही होगा। मान लो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सामने चाहे 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो सेंडर तो एक ही हो गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने जो 100 स्टूडेंट बैठे हैं वो रिसीव कर रहे हैं डाटा को, तो इसका मतलब वो रिसीवर्स हो गए। So the first important characteristics of the communication is that there must be a minimum number of the two persons. देखो दो पर्सन होने चाहिए, because no single individual can have an exchange of the ideas with himself. तो मैं अपने आप से तो बोलूंगा नहीं, ठीक है, फिर तो लोग मुझे पागल कहेंगे, तो इसीलिए मैं सामने किसी को पढ़ाता हूँ। तो a listener is necessary to receive one's ideas. जो लिसनर जो होते हैं, जो सुनने वाले श्रोता होते हैं, वो किसी का आइडिया रिसीव करने होते हैं। मान लो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो वो सुन रहे हैं, वो लिसन कर रहे हैं।
या फिर सेकंड पॉइंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो आइडियाज का एक्सचेंज होना काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी माना जाता है इसका, कि अगर इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं होगी, अगर आइडियाज ही एक्सचेंज नहीं होगे, तो काहे की कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अ थॉट ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। तो अगर एक्सचेंज ऑफ आइडिया नहीं होगा तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस द कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज ऑर्डर फीलिंग, तो ये होना चाहिए। आगे यहाँ पे है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विच इट इज बीइंग गिवन। देखो जिस तरह से वो दी जा रही है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ, जितनी पावर से उतनी पावर से ही आप रिसीव भी कर रहे हो, उसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कि जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप उतनी ही तेजी से, उतनी पावर से, उतनी स्पिरिट से रिसीव कर रहे हो। सो इन दिस प्रोसेस द कम्युनिकेशन इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रैदर दैन कैरी इट आउट। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कम्युनिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि उसको अंडरस्टैंड करना, ना कि उसको कैरी करना। कैरी करना मतलब कि उसको संभाल के रख लेना, संभाल के नहीं रखना, उसको अंडरस्टैंड करना है सर। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, मान लो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि मैं किसी से सीधा बात नहीं कर रहा, मैं किसी से सीधा बात नहीं कर रहा, मैं थ्रू द लाइन बात कर रहा हूँ। मैं थ्रू द लाइन बात कर रहा हूँ मतलब कि मेरी किसी से बात हुई, उसकी उससे बात हुई, तो ऐसे करके मान लो ए ने बी से बात की, बी ने सी से बात की, तो इनडायरेक्टली बात हुई है। ठीक है, बात तो पहुंच गई बट इनडायरेक्टली पहुंची है, डायरेक्टली नहीं पहुंची। सो इट इज नॉट नेसेसरी द कम्युनिकेशन दैट द रिसीवर एंड द गिवर ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी अ फेस टू फेस विद ईच अदर। द कम्युनिकेशन कैन बी अ बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स द फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वाइल द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज थ्रू द अदर मीन्स। तो दूसरे मीन्स के जरिए हो सकती है। दूसरा मीन मतलब यहाँ पे मैंने उसका एक फ्रेंड लगाया, तो उसके फ्रेंड के जरिए ये बात हुई, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस प्रोसेस। तो सर मैंने आपको क्या बताया था पिछली वाली में कि फीचर्स अगर आप करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट तो हर जगह आपको मिलेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस सर, कम्युनिकेशन तो चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। जैसे मैंने वीडियोस डालनी कभी बंद की है, ठीक है, मैंने की है, काफी बार की है, बट मैं लगातार वैसे डालता रहता हूँ, तो कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होगी, वीडियोस कभी बंद नहीं होगी, आपको मैं पढ़ाना कभी बंद नहीं करूंगा, आप पढ़ना कभी बंद नहीं करोगे। तो सर इसी तरह बने रहिए और एक लाइक पक्का से ठोक दीजिए। तो साथ में हमारे पास अब सिक्स पॉइंट है, यूज ऑफ द वर्ड एज वेल एज द सिंबल। तो आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप में वर्ड्स यूज करते हो, साथ में सिंबल्स भी तो यूज करते हो, वो स्माइलीज नहीं भेजते आप, ठीक है, कभी गुस्से वाली, कभी वो रोने धोने वाली, कभी हा हू वाली, तो वो स्माइली सारी भेजते हो ना, वो सिंबल्स में आ जाती है। तो हम सिंबल्स भी भेजते हैं, हम साथ में वर्ड भी लिखते हैं, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। सो देयर कैन बी अ मैनी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक द रिटन और द ऑरल और द सिंबलिक। सो द एग्जाम्पल ऑफ द सिंबलिक कम्युनिकेशन आर द रिंगिंग अ बेल और द क्लोजिंग द स्कूल। मतलब जब एक बेल हमारे स्कूल में लगी होती थी ना, जब हम छोटे होते थे, तो एक बेल लगी होती थी, बेल जब वो माली बजा देता था, तब स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सारे बच्चे भाग जाते थे। ठीक है, तो और कॉलेज सेइंग समथिंग बाय द मूवमेंट ऑफ द नेक शोइंग द एंगर डिसअप्रूवल, वही बात होगी, ये फिजिकली बात कर रहे हैं। मैंने आपको चैटिंग में बता दिया कि आप व्हाट्सएप पे जब चैटिंग करते हो ना, तब स्माइली फेसेस वगैरह भेजते हो, तो उसका भी मतलब सेम ही रहता है, सिंबलिक ही होता है वो भी। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो आ गया वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सर कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या रहती है, मैं बताऊँ आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस सिंपल है, आप हर रोज करते हो, ठीक है, आपका हर रोज करने का होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो अपनी सहेली को, ठीक है, अगर सहेली हो तो सहेली को, तो आप मैसेज जब करते हो तो आप सेंडर होते हो। मतलब आपने मैसेज करना, आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप करके मैसेज करना स्टार्ट किया, टाइप करना स्टार्ट किया कि कैसे हो, मतलब कि जो भी आप लिखते हो, सोना मोना, ठीक है, तो आपने लिखना स्टार्ट किया, तो आप क्या करते हो, मैसेज लिख रहे हो। सबसे पहले तो आप सेंडर हो, आपने व्हाट्सएप खोला, आपने मैसेज लिखना स्टार्ट किया, मैसेज लिखने के बाद आपने भेज दिया, किसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तो एक मीडिया हो गया, तो एक मीडिया हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी सहेली ने उसको रिसीव किया, आपकी सहेली ने उसको रिसीव किया, रिसीवर हो गई वो, आपकी सहेली क्या है, रिसीवर हो गई। उसने रिसीव करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई किया, ठीक है, आपने पूछा था चलो पिक्चर देखने चले, तो उसने कहा हाँ चलते हैं, तो देखो उसने रिप्लाई किया, तो वो क्या हो गई, मतलब उसने फीडबैक दी, रिसीवर ने पढ़ने के बाद फीडबैक दी। तो यही सारी प्रोसेस रहती है कम्युनिकेशन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो मैंने बताया था कि आप बैठे हो मैसेज सेंड करने के लिए, तो आप सेंडर हो गए, कम्युनिकेटर हो गए। सो
दिस सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द आइडिया टू द अनदर। ओके, इसके बाद मैसेज आ गया, आप क्या करोगे, एक टाइप करोगे मैसेज, वो पिक्चर वाला, ठीक है। सो द मैसेज फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, इट मीन दैट वट एवर द सेंडर वॉन्ट्स टू से इन द मैसेज, इट इंक्लूड द ओपिनियंस, फीलिंग्स, व्यूज, एटीट्यूड्स, ऑर्डर्स एंड सजेशंस। भाई ऑर्डर्स कैंसिल कर दो, सहेली को ऑर्डर मत देना। तो एनकोडिंग, एनकोडिंग की अगर बात करें तो जो व्हाट्सएप होता है ना, उसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आपको भी पता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। उसमें आपका जब मैसेज जाएगा तो पहले एनकोड हो जाएगा, एनकोड का मतलब एक तरह का पासवर्ड लग जाता है, वो उसे एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल, फॉर एग्जांपल टू मेक द वर्ड, द गेस्चर, द पिक्चर, द इनटू द कन्वे द मैसेज। मतलब इनको वो एक तरह के कोड में कन्वर्ट कर देगा ताकि कोई और ना पढ़ सके, सीधा रिसीवर के पास जाए। इसके बाद मीडिया या ट्रांसमिशन आ गया, पर्सन हु इज एंशियस टू सेंड अ मैसेज हैज टू मेक यूज ऑफ द सम मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप, मैंने अभी आपको बताया, तो व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। यहाँ पे चैटिंग वगैरह कह रहे हैं, इंटरनेट चैटिंग, लेटर वगैरह, या फिर टेलीफोन, ईमेल, सिंबल वगैरह जो भी। तो आगे इसमें पॉइंट आ गया रिसीवर, तो रिसीवर आपकी जो सहेली बैठी है तो वो रिसीवर है। सो द रिसीवर इज द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज सेंड, जिसके लिए हमने मैसेज सेंड किया है। इसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब होता है जब मैसेज पहले इनकोड हुआ था, सिंबल्स में कन्वर्ट हो गया था, अब सिंबल से दोबारा से फिर मैसेज में कन्वर्ट आ जाएगा ताकि आपकी सहेली उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो वो क्या होगी, डिकोडिंग हो गई। So the sender can send his idea briefly in the form of the symbols or the diagrams. Understanding it correctly is called decoding. तो उसको decoding कहते हैं, जब वो easily understand कर पाए, easily पढ़ पाए। So for example the telegram, what telegram? Telegram carries a long message in the form of the, देखो telegram पहले चलता होता था, अब telegram हमारे पास app भी आ गई है, आपको पता है। telegram पे मैं आपको बता दूँ, हमारा एक चैनल भी बना हुआ है फ्री की पाठशाला से, अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे फ्री की पाठशाला सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे पूछ लेना, नोट्स वगैरह भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो देखिए, कैरीज अ लॉन्ग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द फ्यू वर्ड्स एंड व्हेन द रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द डिटेल हिज एफर्ट्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो उसके एफर्ट्स जो होंगे वो डिकोडिंग होगी, मतलब। तो यहाँ पे आगे देख लो, फीडबैक, फीडबैक का मतलब रिप्लाई देना। आपकी सहेली ने रिप्लाई दिया कि हाँ जी चलते हैं फिल्म देखने, देखो कौन सी फिल्म अच्छी लगी हुई है। तो अब फीडबैक इज अ सिग्नल पॉइंटिंग आउट टू व्हाट एक्सटेंट द रिसीवर हैज रियली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। देखो रिसीव करना अकेला काम नहीं होता, उसको अंडरस्टूड करना भी काफी जरूरी होता है कि अगर सेंडर ने जो भेजा है, जिस इंटेंशन से भेजा है, उसी इंटेंशन से उसको रीड किया गया है या नहीं किया गया। मान लो उसने तो प्यार से भेजा है, आपको लगा उसने गुस्से से भेजा है, ठीक है, तो वहां पे फीलिंग चेंज हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, आप मुझे पता है घंटों तक बैठे रहते हो, अपनी सहेली से बातें करते रहते हो, या आप अपने सहेले से बातें करते रहते हो, मुझे पता है, ठीक है, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तो ये वही कह रहे हैं कि रिपीटेडली ये होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, इसी तरह से आप मैसेज करते रहोगे, आपकी उंगलें नहीं थकेंगी, मुझे पता है आपकी आंखें थक जाएंगी बट उंगली नहीं थकेगी। तो इसी तरह से आप बातें करते रहो, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यहाँ पे कंसेप्ट हमने इतना कर लिया बस, ये आगे वाला कंसेप्ट भाई अगली वाली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक पक्का से कर दो, अभी लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि कैसी लगी वीडियो, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपनी सहेली को पक्का शेयर कर देना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएं, वो भी इन वीडियोज को देख पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।